समाज के जिमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 12 जमातों के इत्तेहाद को हरा दिया। पीके साथ के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतज बोल न्यूज ने हासिल कर लिए, जिसके मुताबिक पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्द मुकाबल अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,604 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। सात पर इंतखाबी मैदान सजा, चार उम्मीदवारों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। एएनपी के खान नवाब, पीटीआई के फजल मौला, तहरीक इंकलाब मूवमेंट के दौलत खान और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद अली शाह पीटीआई के नाराज रुकुन है। वोटिंग का अमल तो पुरअमन शुरू हुआ, लेकिन जब नतीजे का सिलसिला आने लगा तो जश्न का माहौल हंगामा आराई में बदल गया। पीटीआई उम्मीदवार की वाजे बढ़तरी पर एएनपी के कारकुनान ने हंगामा शुरू कर दिया। एमपीए मुहिबुल्ला खान के भाई पर तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सूरत हाल मुख्तलिफ रही, कहीं जोश और खरोश नजर आया, कहीं तादाद न होने के बराबर रही। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।